विटकोफॉल कैप्सूल का इस्तेमाल विटामिन B3 की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन B9 की कमी को पूरा करने के लिए और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए विटकोफॉल कैप्सूल प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाली खून की कमी को पूरा करने के लिए भी हम विटकोफॉल कैप्सूल को प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा परनीशियस एनीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हार्टपन रोग, इन सभी में हम विटकोफॉल कैप्सूल प्रयोग में ला सकते हैं। विटकोफॉल कैप्सूल के अंदर निकोटिनामाइड, फॉलिक एसिड और साइक्नोकोब्लामेन इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। निकोटिनामाइड और साइक्नोकोब्लामेन शरीर में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। फॉलिक एसिड विटामिन बी समूह का एक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य उत्पादन के लिए जरूरी होता है। विटकोफॉल कैप्सूल को जिनको यानी दवाओं से एलर्जी है, जिनका पेशेंट यानी उन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है या फिर लिवर रोग है, गुर्दे से जुड़ी समस्या है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है, पेट में अल्सर, गाउट, यूरिक एसिड, परनीशियस एनीमिया या फिर लोअर कंजेस्टाइल एम्ब्रोसिस डिसीज है या फिर पॉलीसीथीमिया वेरा, इस तरीके की उनको बीमारियां हैं, तो विटकोफॉल कैप्सूल को ना दें। इस कैप्सूल को देते समय विटामिन सी, मेटफॉर्मिन और इस तरीके की दवाएं आपको नहीं देनी है वरना साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट इस कैप्सूल के क्या होंगे? चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, दुर्बलता, सांस फूलना, पेट खराब होना, अधिक प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का लाल होना और सिरदर्द, अनिद्रा, लूज मोशन और एपिलेप्सी जैसे लक्षण, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन और डिप्रेशन, एरिथमा, कमर में दर्द, एडिमा, जी घबराना, उल्टी, खुजली और जलन इस कैप्सूल के द्वारा हो सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा महीनों तक इस्तेमाल करेंगे, उतने ही समय तक इस्तेमाल करें जितनी आपकी बॉडी को डिमांड है। धन्यवाद।